नमस्कार, मैं आपके साथ डॉली पांडे। आप देख रहे हैं द आजाद आवाज, आपके मुद्दे आपकी आवाज। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। द आजाद आवाज की टीम ग्राम ग्राम घूमकर ग्राउंड जीरो कर रही है। इसी क्रम में हमारे साथी विवेक सिंह ठाकुर द्वारा लिया गया जिला पंचायत के वार्ड नंबर 5 के प्रत्याशी के प्रतिनिधि राजेंद्र यादव का देखिए साक्षात्कार। आप देख रहे हैं द आजाद आवाज, आपके मुद्दे आपकी आवाज। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का प्रचार अंतिम चरणों में पहुंच चुका है। 25 तारीख को मतदान है और द आजाद आवाज की टीम पिछले एक महीने से लगातार गांव-गांव से आपको रूबरू करा रही है, प्रत्याशी से रूबरू करा रही है। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 5 से जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी के प्रतिनिधि राजेंद्र यादव जी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या समस्या देखो मुंबई जनता के बीच में? आपको जनता में 50 समस्याएं हैं। शिक्षा का स्तर जीरो है, गांव में पानी की समस्या है, नाली नहीं बनी हुई है। अंदर जाके देखो, बुढ़ेरा गांव में है जैसे, हम तो यहाँ पे देखो निकल नहीं पा रहे हैं। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है काम। नहीं, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य के चुनाव आप लड़ रहे हैं और जिला पंचायत सदस्य के बारे में एक बात कर कही जात की बहुत जीत हुई टाटा बाय बाय कह देते, तो ऐसा हो जाएगा ना? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, क्योंकि यहाँ चाहे वार्ड नंबर, चूंकि ये टीओगढ़ जिला पंचायत में आते था पहले, निवाड़ी नया जिला बना, वार्ड नंबर 14 हुआ करता था, तो वहाँ जो पिछले सदस्य थे वो क्षेत्र में आए नहीं, ये लोगों का कहना है। नहीं तो वो तो हकीकत है, कहना क्या है, लेकिन गलत है ना ये सब चीज़ें। अगर जनता ने भरोसा किया है तुम्हारे ऊपर, तुम्हें आना चाहिए जनता के बीच में। और एक चीज़ और लोगों को समझ में आ रही कि जगह जगह आदमी कह रहा है कि गंजन से आदमी परेशान है और खेत पे हमें सोने पड़ रहा हो। जी बात आपकी। देखो भाई, नहीं नहीं, वो हमारी गऊ माता है, उससे कोई परेशान नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ छोटा जानवर। नहीं नहीं, कोई ऐसी ज्यादा परेशानी नहीं है, थोड़ी बहुत रखवाली करनी पड़ती है फसल की। अच्छा। हाँ। और इसके अलावा नालियन की भी समस्या आपको आ रही हुई है? बहुत ज्यादा नाली की समस्या आ रही है। और इसके अलावा आप क्या क्या काम कराने के लिए आपका प्राथमिकता है? जी, नाली आली सुधार कराएंगे, शिक्षा का सुधार कराएंगे, स्वास्थ्य में सुविधाएं ले आएंगे, सरकार की नई योजना लाएंगे जिससे पात्र हितग्राहियों को सुविधा मिल सके, उनकी योजनाओं को लाभ मिल सके। एक बात हर आदमी के मुंह पे है भाई साहब कि आवास उनके बन रहे, चीन चीन के आवास दे दिया जा रहा है, जो खासे ऐसा आप रोक लगाओ इस पे पंचायत सदस्य मन में। जो पात्र हितग्राही हैं उनको आवास मिलेंगे, सब सुविधाएं मिलेंगी सरकार की, क्योंकि आदमी का चीन चीन है मिल जाओ बंद हुए। देखो सरपंच लोग करते होंगे तो ऐसा, हमें तो नहीं है, लेकिन हम तो सरपंच रहे हैं, हमने तो ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि लोगों का कहना है। एक बात और गांव-गांव में समझ में आ रही, आदमी कह रहा कि ये चुनाव धनबल का है, आप धनबल के सामने कैसे लड़ पाएंगे? जो तो जनता जवाब दे। हाँ। धनबल से है, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया इतने हम मंदिर बना दें, इतने रुपया। एक प्रत्याशी द्वारा एक गांव में कहा गया कि इतने वो पैसे ले लो, पूरा एक तरफा वोटिंग करा दो, इस पर आपका क्या कहना है? जो वो धनबल वाले हैं वो इतने साल से कहाँ गए थे, पहले से आते, 5 साल पहले आते, 10 साल पहले आते, धन देते, मंदिर बनवाते, तब तो ठीक है। आज जनता को मूर्ख बना के ये सब बातें करना अच्छी बात नहीं है। जनता भोली वाली जनता है, उनको गुमराह कर रहे हैं। और लगातार सुनने में आ रहा है कि शराबों की बड़ी मात्रा में इस वार्ड में बहुत तेज बढ़ रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमें तो नहीं सुना भाई, हम तो पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि यहाँ शराब की, अब लोग तो क्या है, कुछ भी बोलते रहे, लेकिन हम इस बात पे भरोसा नहीं कर रहे। बाकी पीने खाने वाली है, जनता है तो पिएगी खाएगी, उसमें कहाँ। आपको लगता है कि ये चुनाव धनबल से प्रभावित हो सकता है? नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और आपके बारे में लोग कह रहे हैं कि वो क्षेत्र में पहले से आते थे, चुनाव रहे या ना रहे वो क्षेत्र में सक्रिय रहते थे। जब आप चुनाव की बेला में हो तो उस टाइम आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा हो जनता की? जनता अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा हो, जेवा सच है, ऐसा सत्य है कि आप जनता के बीच में पहले से थे? जनता के बीच में पहले से थे हम, बराबर आ रहे थे 2 साल से। आप पूछ लो किसी से भी, किसी भी गांव में जाके पूछो कि हम पहले से। और आप बगल को गांव है मड़ोरू के सरपंच भी रहे आप पहले, है ना, 2010 से 15 तक रहे, तो फिर उसे मड़ोर के आदमी भी कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे बीच में रहे तो इको लाभ कहीं ना कहीं आपको मड़ोर से लेकर कितने तक को लाभ है? जो मड़ोर से हमारा पूरा लाभ है। और जैसे लोगों के लिए एक बड़ी समस्या देखने को मिल रही, नाली के अलावा सड़कों की भी समस्या है, पानी की भी समस्या है, नल तो बच गया लेकिन पानी नहीं आ रहा। लोग नहीं, अब चल रही है ना सरकार की स्कीम, वो जो सरकार की, क्योंकि अगर आप जिला पंचायत जीतते हैं, सवाल ये है कि अगर आप जिला पंचायत जीते तो इस काम में तेजी की जाएगी नहीं जाएगी? देखो वो तो तेजी अपन जो अपने हाथ में होगा वो अपन करवाएंगे। उसके अलावा जो सरकार की पॉलिसी चल रही है, पाइपलाइन डल रही है गांव गांव, वो तो चल ही रहा है काम,
वो तो एक आध साल में पूर्ण हो जाएगा तो चालू हो जाएगी। अब यहाँ हमारे साथ कुछ बुजुर्ग और युवा साथी खड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं। भैया बब्बा जी सही कह रहे हैं प्रत्याशी आपके? नहीं नहीं आप विश्वास कह रहे हैं भाई साहब हैं, भाई साहब तो अच्छा बब्बा सही कह रहे हैं। नाम क्या है बब्बा आपको? नारायण सिंह। तो बब्बा सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं जी। पहले से आउते क्या भैया मियां लगे? नहीं पहले से आउते। पहले से आउते तो हमारे साथ पहले से आका जन्म यही भूम है यहाँ। अच्छा जन्म भूम है यहाँ। हाँ आपने तो खिलाओ था खुद जे खिलाओ है तो आप खिलाओ है और खिलाए है कंजल है कंजल है। हाँ तो कहा है फिर जनता के बीच में? जनता के बीच में भलो भगवान करे सिद्ध बाबा। तो भैया राम राम। क्या नाम है आपका? सत्यन राजपूत। तो भैया कहा है कैसे पहले से आउते क्या भैया? सभी तो हम जब से मतलब सर्व समारोह जब ही से आ रहे हमारे मतलब ग्राम राजपुरा के हैं, लेकिन कुछ भी कारण देते कुछ भी काम होता है भाई साहब को बुलाते आधी रात के आ जाते हमारे। अच्छा आधी रात में? आधी रात में 12 बजे कोई समस्या आई हमारे गांव में फोन लगाया तो मड़ोर से आ गए तत्काल ही। अच्छा तत्काल मड़ोर से? तत्काल। तो फिर मन बनाए हुई बात बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब के रहने पूरा सही हो गए। बब्बा राम राम। राम राम भज्जिया। बब्बा का नाम है आप? हमारा नाम जगदीश प्रसाद यादव। तो बब्बा जैसे सही कह रहा कि रात रात में आ जाओ? सही कह रहा कि बहुत सही है वे ऐसे सही को है नन्या। अच्छा हाँ साची कह रहे? हाँ साची झूठी नहीं कह रहा है। अच्छा धन्यवाद आप देख सही है वे। अच्छा आत्मिक सही। हाँ ऐसी धन्यवाद आप देखते रहिए द आजाद आवाज आपके मुद्दे आपकी आवाज। महत्वपूर्ण सूचना द आजाद आवाज किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं करता। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बने रहिए डॉली पांडे के साथ। नमस्कार।